यानी ये लेयर्स को सिलेक्ट किया मैंने और उसको कर दिया कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ताकि ये मल्टीपल लेयर्स को मुझे हैंडल करना ना पड़े। अब मुझे एक शेडो की और उसकी एक इमेज आ गई, इसी को यूज करना है। आपने मल्टीपल सेलेक्टर के क्रिएट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया, सॉरी अपने मल्टीपल लेयर्स को सिलेक्ट करके क्रिएट स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया ग्रुप हाँ, करने के मल्टीपल लिए। लेयर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर दिया और उन सबको एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से मैं बैकग्राउंड के साथ भी कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल नहीं कर रहा मैं, ठीक है। अच्छा, ये जो टेक्स्ट का ग्रुप है, ठीक है, इस ग्रुप को तो मैं एज इट इज रहने दे रहा हूँ जैसा ये है, और यहाँ से मैं जैसे ही इसको कन्वर्ट वीडियो टू टाइमलाइन करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास ये सारा कुछ टाइमलाइन पे आ गया होगा। अगर आप लोगों में से किसी ने प्रीमियर को या आफ्टर इफेक्ट्स को यूज किया तो वो इस टाइमलाइन को अंडरस्टैंड करता होगा। है कोई सा जिसने इस्तेमाल किया? जी सर, बिल्कुल, तो ये सेम उसी तरह की चीजें हैं। अगर आप किसी भी इसमें से लेयर को अगर आप क्लिक करके ऑन करेंगे तो आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, तीन प्रॉपर्टीज हैं जिसको आप एनिमेट कर सकते हैं नॉर्मल लेयर में, और अगर टेक्स्ट लेयर है या वेक्टर लेयर है आपकी तो उसमें भी कुछ ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, लेकिन मोर और लेस सेम ये तीन ऑप्शन ही रहते हैं, नाम चेंज हो जाते हैं उनके जी सर। कुछ। एक पोजीशन है, एक ओपेसिटी है और एक स्टाइल है, ठीक है। अब जैसे सर मैं सलामकुम सर, एक मिनट वैसा एक सेकेंड सर, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, अब आपने ये तो पढ़ा दिया है, मैं क्या करूँ इसका? इसकी वीडियो भेजेंगे बच्चे, और उस वीडियो को आप जो है वो देखिएगा, ज़ियारत कीजिएगा उसकी और समझने अच्छा, की आपने कोशिश मुझे कीजिए। एब्सेंट मार्क किया है क्या? सॉरी बच्चे, आपने मुझे एब्सेंट मार्क कर दिया है या नहीं किया अभी है? नहीं किया मैंने मार्क बच्चे, अभी मैंने अटेंडेंस अच्छा भेजी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये अटेंडेंस में सारे लोग जज्बा हो जाएंगे, मैं सबको भेज दूंगा, ठीक है। ठीक लेकिन है सर, लेकिन खुदा की बंदी टाइम पे आया करो, ऐसा ना करो। जी, सॉरी सर। ये है, ठीक है। और आईडी देखें हमेशा यही रहेगी जो आपको दी हुई है, आप सेम आईडी रहेगी। इसमें पोजीशन है, ओपेसिटी और स्टाइल है। पोजीशन आपको पता ही है किसे कहते हैं, कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को पोजीशन को समझने के लिए, मैं प्रोडक्ट वाली लेयर को लेता हूँ, ये मेरी प्रोडक्ट वाली, मैं इसको नाम कर देता हूँ ताकि मेरे पास मुझे वहां अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाएगी नेमिंग करने से। प्रोडक्ट, ये कौन बदतमीजी मार रहा है? बैक स्प्लैश इसका नाम कर दिया मैंने, फ्रंट स्प्लैश और इसे मैंने दे दिया विंटेज के लिए, और इसे मैंने दे दिया कंटेंट, ठीक है, और इसे मैंने दे दिया हाफ टोन, और इसे मैंने दे दिया हाईलाइट, ठीक है, और इसे मैंने नाम दे दिया बैकग्राउंड, ठीक है। सबकी नेमिंग हो गई तो आपको यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड करने में आसानी हुई किस लेयर पे क्या पड़ा हुआ है। मैंने बैकग्राउंड लेयर को ऑफ किया और बैक सॉरी प्रोडक्ट वाली लेयर पे आया और इसको ओपन किया मैंने। सो यहाँ मेरे पास चूंकि मैंने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया था, तो यहाँ पोजिशन की जगह पे आपके पास क्या आ गया, ट्रांसफॉर्म आ गया। तो ट्रांसफॉर्म पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये जो क्लॉक लगा हुआ है उस पर क्लिक लग रही है, इस वक्त में ये एक की लगा देगा, और चूंकि ये वो पोजीशन इमेज की सेट हुई हुई है कि जिस पर मुझे फाइनली इमेज चाहिए होगी, तो मैं इस की को उठाऊंगा और आगे बढ़ा दूंगा थोड़ा सा, और यहां से मैंने इसे पीछे कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि समझे या नहीं, क्लियर है? यस सर, वाटर ड्रॉप होता हो नहीं दिखाएंगे इसमें? सॉरी, वाटर ड्रॉप होता हो जो पानी गिरता है, इसको भी कुछ एनिमेट, इसको ना एनिमेट बेटा करें? ऐसा इतनी मुश्किल बातें ना करो, अच्छा उसके लिए फिर आपको वो पूरा मास्क को सब कुछ करना पड़ेगा और लंबा काम हो जाएगा, हो तो जाएगा लेकिन लंबा काम है। वाटर स्पेस के साथ भी करेंगे हम, अभी तो फिलहाल मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये एनिमेशन की कीज इस्तेमाल कैसे हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये
इसको मैं फिलहाल, हाँ मतलब ये इट्स नॉट फाइनल कि हमने ये इस अंदाज में एनिमेट करना चीज को, नहीं अभी तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो तीन प्रॉपर्टीज हैं वो तीन प्रॉपर्टीज वर्क कैसे कर रही है। अब मैं आपको ओपेसिटी की एग्जांपल दिखाता हूँ। अब चूंकि ये जो लेयर जैसे ही मैंने ओपन किए, इसमें आप देख सकते हो कि लेयर मास्क भी मौजूद है, ठीक है, तो आप लेयर मास्क की पोजिशन को भी की लगा सकते हैं, ठीक है, और आपने ओपेसिटी को की लगाई, ओपेसिटी को की लगाई और इससे मैंने आगे बढ़ा दिया वही की को, और ओपेसिटी को क्या कर दिया, जीरो। समझ रहे हैं या नहीं? तो इसमें ओपेसिटी के ऊपर वर्क हुआ है, लेयर मास्क की पोजीशन पे अभी हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, और फिलहाल उसको भी मैंने ऑफ कर दिया। स्टाइल की प्रॉपर्टी का क्या काम है? स्टाइल की प्रॉपर्टी के काम को मैं आपको दिखा दूं कि जैसे कंटेंट पे आया मैं, और कंटेंट पे अगर आप ओपन करेंगे तो आपको कंटेंट में बाय डिफॉल्ट ओपेसिटी की प्रॉपर्टी नजर आएगी और हर लेयर अलग अलग नजर आएगी। इस पे अगर आके मैं राइट क्लिक ब्लेंडिंग ऑप्शन, अगर मैं यहाँ से केयर फॉर यू पे आया और स्टाइल पे क्लिक किया, की लगाई, यहाँ से मैंने ये दिया और कलर ओवरले, ठीक है, ये की लग गई। समझ में आया? क्लियर या नहीं? खुदा के बंदो, क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है, अब हम ये तीनों प्रॉपर्टीज बताने के बाद इन सबको इस प्रोडक्ट के ऊपर इस्तेमाल करेंगे कि इसको एनिमेट करने के लिए हमने क्या करना है। तो हम पहला काम ये करते हैं कि सबसे पहले तो आप जो है वो चीज़ों को ज़रा ऑफ करते जाओ लेयर्स, ताकि आपके पास चीज़ें समझने के अंदर में आपको आसानी हो कि क्या क्या मौजूद है। बैकग्राउंड की लेयर मौजूद है, सबसे पहले बैकग्राउंड की लेयर के साथ आप ओपेसिटी के साथ खेल सकते हैं। और इसके बाद आपने हाईलाइट की लेयर को ऑन किया, हाईलाइट में भी आप ओपेसिटी के साथ खेल सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास। और इसके बाद हाफ टोन को ऊपर आया, और हाफ टोन को भी आपने ओपेसिटी के साथ ही खेला है, और यहाँ से आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दो ताकि ये स्टार्ट से विजिबल ना हो आपके पास। हाफ टोन के लिए हमने ऑन कर दी, ओपेसिटी इसकी वही रखी हुई है, और यहाँ आके इसकी भी ओपेसिटी जीरो कर दी है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपने बैक स्प्लैश को ऑन किया, बैक स्प्लैश की लेयर को पहले तो आप उठा के सीधे सीधे यहाँ ले आए, इससे पहले बैक स्प्लैश की लेयर नजर नहीं आनी आपकी, तो इसको आप पोजीशन ट्रांसफॉर्म के साथ खेल सकते हैं। थोड़ा सा आगे किया, ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास
प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट पे भी हमने ट्रांसफॉर्म पे की लगाई. और इसको हमने बाहर भेज दिया. और सेम हमने इस पर आया और इस पे भी ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया. ठीक है, हो गया सारा कुछ. और यहाँ आके हमने ये विंटेज वाले एरिया को लाना है हमने, तो इसको भी हम पैसिटी के साथ लाएंगे. ठीक है, और अब इसके बाद हमने टेक्स्ट पे काम करना है. टेक्स्ट की ग्रुप को हम ओपन करेंगे और टेक्स्ट के अंदर में जितनी भी लेयर्स है, ये तीन लेयर्स है, तीनों को उठाएंगे और इसमें हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हमें इसके साथ खेलने में आसानी होगी. ठीक है, इसमें आया केयर फोर पिल है, तो केयर फोर को हमने ट्रांसफॉर्म दिया. सही है. और इसको हम ऊपर से लाए और योर स्कीन को भी हमने ट्रांसफॉर्म किया. थोड़ा सा इसको आगे किया इसको, और इसको हम यहाँ से लेकर आए और एंड पे आए, और एंड पे भी हमने ट्रांसफॉर्म और ओपेसिटी दोनों पे की लगाई. सोशल डिस्टेंसिंग आप लोगों ने बरकरार रखनी है, तो बस देखा नहीं जिस हिसाब से कुछ कर सकते जी. सही है, ये हो गया हमारे पास. अब हम इसको स्टार्ट से हम लेकर आ रहे हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, और इसको हमने थोड़ा सा और नीचे किया, इसको बड़ा किया हमने. एफ प्रेस कर देते हैं और स्पेस बार से प्ले कर दें. क्लियर? या नहीं? जी सर क्लियर. क्लियर है, इस पे साउंड भी डाल सकते हैं आप पीछे. साउंड कैसे डालेंगे? साउंड कैसे डालेंगे बता रहे हैं आपको. इसमें आप टाइमलाइन में नीचे हैं, ऑडियो की ट्रैक मौजूद है, यहाँ से आप प्लस करें. और फिलहाल मेरे पास जो अवेलेबल सॉन्ग है मैं उसी में से कोई उठा कर डाल देता हूँ. ईयरबड्स कॉल डिस्कनेक्ट करो.
इसको तो मैं सिर्फ हमारा कॉल करते हैं, इधर स्केच रहा हैंग हुआ है ना, उस पर शक्ल की निकल आया बात पता नहीं मैं स्कैप नहीं स्टार्ट करता हूँ यहाँ फंस गए सिस्टम की वजह से उड़ना जाए वो ये इतनी बड़ी चीज नहीं थी बहरहाल साउंड आप डालेंगे तो आ जाएगा आपके पास साउंड आ रहा है इसमें पता नहीं आप लोग तक आवाज आ रही है नहीं आ रही साउंड की सर हल्की आ रही है हल्की सी आ रही है ना उसने लड़के का ये हेडफोन लगा हुआ ना ये एंड में स्टार्ट हो रहा है स्टार्ट में नहीं है स्टार्ट इसलिए भी नहीं है तो इसको बहरहाल ये तरीके से करेंगे तो सेट हो जाएगा ये काम समझ में आया कैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है ये बताएं क्लियर है ये वाला मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे पहला वाला समझ में आ रहा था जब एनिमेशन कर रहे थे ना ये भी एनिमेशन ही है लड़के प्ले कर रहे हैं पहले तो मैं इसकी ऑडियो खत्म करूं ताकि ये जो प्ले करने में टाइम ले रहा ना शिट सोशल मीडिया पे आपके जो एड्स बनते हैं ना तो उसमें से ये कि आफ्टर इफेक्ट्स पे बनते हैं और जो छोटा मोटा काम होता है वो आपके पास में किया जाता है ठीक है नहीं क्या हो रहा है क्या मतलब क्या हो रहा है बस के पिक्चर है सॉरी प्ले नहीं हो रहा प्ले हो चुका लड़के तुम्हारा नेट तुम्हारा नेट ये देखो ये प्ले हो रहा है जी ये रहा क्लियर ठीक है मेरे पास सिर्फ 5 से 6 मिनट है मैं दोबारा इसको कनेक्ट कर रहा हूँ दोबारा कनेक्ट कर लें आप भी